का आता है पेशेंट तो यहाँ पे जो डॉक्टर जो सभी के असिस्टेंट पेशेंट थे उन्होंने यहाँ पर पहली बात की होती कि वो उनकी भी सर्जरी करेंगे, उनका ऑपरेट करेंगे और उनको मुल्तान जाने से रोकेंगे, मगर ऐसा होता है कि फिर मुल्तान का बटन बढ़ जाता है तो काइंडली उसको देख कर एमरजेंसी ऑपरेशन बगैर नहीं होगा और हर रेफरल तब होगा जब एक सीनियर कंसल्टेंट आप उसको देखेगा और रेफर, ठीक है। हम प्रॉपर जितनी ड्यूटी और जितने असाइंड है वो मुकम्मल करने लगे। एक तो सबसे बड़ी बात है, पांच आपको मदर एंड चाइल्ड बताए कि गरीब इलाकों में बन रही है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स। इंशाल्लाह इस पाँच साल के अरसे के अंदर सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब ये है कि उनको 24/7 करने लगे, रूरल हेल्थ सेक्टर सबको रिपेयर कर रहे हैं, सब में पूरा स्टाफ मुकम्मल कर रहे हैं, दवाइयाँ सारी मुकम्मल कर रहे हैं। इस मरतबा तकरीबन 12 अरब से ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमारे जनरल्स के लिए हैं दवाइयों के लिए, और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ट्यूबरकुलोसिस एड्स, इसके अलावा 11 अरब रुपए उसके अंदर। मेरे ख्याल है इतना बड़ा बजट जो है ना जी 45, वो जो अशोर मचा रहे हैं ना आजकल, 45 अरब रुपया तो सिर्फ डेवलपमेंट बजट है जी। ज़बरदस्त मैडम, ये पी के हरना ही जो है ये तबाह बर्बाद हो चुके थे। अच्छा भी कोई तवज्जो है, मतलब पी के तबाही बर्बाद जी थी, वो ऐसे हो गए थे मैडम कि दवाइयाँ तो थी नहीं ना, तीन तीन महीने चार चार महीने की पेशी मिलती थी, उस बंदे का जो मर्ज है वो मजीद बढ़ जाता था जब उसका नंबर उसका सिर्फ टेस्टों के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी तो आपने बात की हेपेटाइटिस की, वो हेपेटाइटिस की बात कर रही है ना, जहाँ तक पी के एलआई का ताल्लुक है, पी के एलआई इसका खत्म कर दिया, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का काम और फंक्शन है। इसको जब आप दो तीन चीज़ें इकट्ठी शुरू करते हैं और सारा एक ना हो ना, तो उसके ये काम डिसजॉइंटेड एफर्ट होता है। तो अब हम इंशाल्लाह अपना सारा हेपेटाइटिस का प्रोग्राम आपको बताया, 11 अरब रुपये उसके लिए, हेपेटाइटिस ट्यूबरकुलोसिस एचआईवी एड्स के लिए, इन सब के लिए 11 अरब रुपये जो है प्रोग्राम के लिए, तो इंशाल्लाह इसको सारों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है।